आइडेंटिफाई दिस इमेज, तो इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये क्या है आप देख सकते हैं, ये है चीटल फोर्सेप। आप अच्छे से देख सकते हैं ये इसका जो मुंह है बिल्कुल चीटे के आकार का है, तो इसको क्या कहते हैं चीटल फोर्सेप, और इसको ट्रांसफर फोर्सेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफर फोर्सेप भी कहते हैं। आइडेंटिफाई करनी थी इमेज, तो ये किसकी इमेज है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसकी है, लेटरल ग्रिप की है। किसकी इमेज है? लेटरल ग्रिप की, लेटरल एंड लेटरल साइड के अंदर आप देख रहे हैं, तो ये लेटरल ग्रिप की इमेज है। तो मेन जो कलर कोडिंग का ध्यान रखना है, येलो वाला किसके होता है? सेओफ्लोरिन के लिए होता है, और जो पर्पल कलर का होता है वो किसके लिए होता है? आइसोफ्लोरिन, और जो डेसफ्लोरिन होता है उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है। ये चीज़। हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एम्स नोट से 2020 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको बता दूं, एम्स नोट सेट के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर इमेज बेस और जो है मेमोरी बेस क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, इसके साथ जो नर्सिंग की जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, उन सब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट 10974 एंड क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन सा जो है कौन सा नंबर आएगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। तो 10 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है फ्रेंड्स, कितना है? एक का डिफरेंस है। 9 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 7 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा? इसका मतलब सिक्वेंस से चले तो 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा? 4 का डिफरेंस रहेगा। ये अपने डिफरेंस निकाल लिया, अब अपन देख लेते हैं भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो अपन नॉर्मली जैसे कि 10 में से यदि 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 9। 9 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 7। 7 में से यदि 3 माइनस कर दिया तो 4, और 4 में से यदि 4 माइनस कर दिया तो क्या आएगा आंसर? 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें जिस ऑप्शन के अंदर 0 दिया गया था वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर कौन है? तो कौन है फ्रेंड डायरेक्टर दिल्ली एम्स के? तो आप सबको पता भी होगा इसका आंसर, रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया जो है एम्स के डायरेक्टर हैं, और ये क्या है, एक इंडियन पुलमोनोलॉजिस्ट भी है। इसके साथ ही क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर पुलमोनरी मेडिसिन एंड स्लिप डिसऑर्डर एट एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गूगल CEO कौन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था गूगल के CEO कौन है, कौन है फ्रेंड्स? द राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका सुंदर पिचाई, 2 अक्टूबर 2015 से गूगल के CEO है। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? पिचाई सुंदर सुंदराजन, ठीक है, और नोन एज सुंदर पिचाई, इनको सुंदर पिचाई के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम क्या है? पिचाई सुंदराजन, ठीक है। इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ अल्फाबेट एंड इट्स सब्सिडरी गूगल LLC, बोर्न इन मदुराई इंडिया। पिचाई अर्न इज डिग्री फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर इन मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, क्वेश्चन नंबर 4, फिटल हार्ट रेट पूछी गई थी फ्रेंड्स। तो फिटल हार्ट रेट, नॉर्मल फिटल हार्ट रेट जो होती है वो कितनी होती है? 122-116 नॉर्मल जो है फिटल हार्ट रेट होती है, कितनी होती है? 122-160 बीट पर मिनट जो क्या होती है, नॉर्मल फिटल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 5, तो फ्रेंड्स आपको बता देता क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन फिब्रोसिस एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और जब मैंने आपको लिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस तैयार किए थे तो उन रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से मैंने बताए थे। तो उसके अंदर से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 था जिसके अंदर मैंने बताया था कि पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाई किसकी डेफिशियंसी से होता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है एम्स नोरसेट के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाना है आपका, यदि 4 ऑप्शन आपके थे तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? विटामिन B12 जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जाके आप देख सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पर्निशियस एनीमिया के बारे में मैंने उसमें भी बताया था कि पर्निशियस एनीमिया क्या है फ्रेंड्स, एक ऑटो इम्यून डिजीज है इन विच द पार्शियल सेल्स ऑफ द स्टोमक लाइनिंग फेल टू सीक्रेट इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम इंटेस्टाइन विच रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इन टू ब्लड। यानी फ्रेंड्स पर्निशियस एनीमिया क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्टोमक की जो पेराइटल सेल्स होती है उस पेराइटल सेल्स होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं कर पाने से क्या होता है कि विटामिन बी ट्वेल्व का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड के अंदर विटामिन ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व फ्रॉम जी आई टी। एंड इंट्रिंसिक जो फैक्टर है फ्रेंड्स असेंशियल होता है किसके लिए, विटामिन बी ट्वेल्व के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 सी वी पी नॉर्मल वैल्यू, तो सी वी पी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता भी होगा और आप अच्छे से करेक्ट भी करके आए होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं सी वी पी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर होता क्या है। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, द सी वी पी इज द प्रेशर विद इन द सुपेरियर वेना केवा। यहाँ क्या है फ्रेंड्स प्रेशर है किसके अंदर, सुपेरियर वेना केवा के अंदर। इट रिफ्लेक्ट द प्रेशर अंडर विच द ब्लड इज रिटर्न टू द सुपेरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। द सी वी पी इज मेजर विद द सेंट्रल वीनस लाइन इन द सुपेरियर वेना केवा। यानी जो फ्रेंड्स आप मेजर करते हैं सेंट्रल वीनस लाइन के थ्रू मेजर करते हैं किसके अंदर, सुपेरियर वेना केवा के अंदर। नॉर्मल जो सी वी पी प्रेशर होता है इज अबाउट 3 to 8 mm ऑफ एच जी। कितना होता है 3 to 8 mm ऑफ एच जी क्या होता है, नॉर्मल सी वी पी प्रेशर होता है। एन एलिवेटेड सी वी पी इंडिकेट एंड इंक्रीज इन, यानी फ्रेंड्स जो आपको जो याद रखना है कि 3 to 8 mm ऑफ एच जी क्या होता है, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है। एंड एलिवेटेड सी वी पी इंडिकेट द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एज ए रिजल्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। यानी जो सी वी पी का जो एलिवेटेड है यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर यदि बढ़ गया है इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम है क्या हो गया इंक्रीज हो गया है। और किसकी वजह से, रिजल्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, एक्सेसिव आई फ्लूड, अल्टरेशन इन फ्लूड बैलेंस और किडनी, इन कंडीशन के अंदर जो है सी यू पी आपका क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज किस किस के अंदर होता है, ए डिक्रीज सी यू पी इंडिकेटेड डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड मे बी रिजल्ट ऑफ फ्लूड इम्बेलेंस, हेमरेज, सीवियर वोसोडाइलेशन विथ पुलिंग ऑफ ब्लड इन एक्सट्रीमिटीज दैट लिमिट्स वीनस रिटर्न। यानी आपको ध्यान रखना फिर एलिवेटेड जो सी वी पी जो एलिवेटेड हो गया इसका मतलब कौन कौन सी कंडीशन को वो इंडिकेट करता है, तो इंक्रीज कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा, या तो सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से हो गया हो, या फिर एक्सेसिव आई फ्लूड की वजह से, या फिर अल्टरेट फ्लूड वैलेंस में अल्टरेशन हो गया, या किडनी फेलियर की वजह से हो गया हो। इसका मतलब क्या हो, एलिवेटेड सी वी पी यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। और डिक्रीज सी वी पी का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ फ्रेंड्स, डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। और किस किस की वजह से होता है, फ्लूड इम्बेलेंस होने की वजह से, हेमरेज होने की वजह से, सीवियर वेसो डायलेशन होने की वजह से, विथ पुलिंग ऑफ ब्लड इन दी एक्सट्रीमिटीज दैट लिमिट्स वीनस रिटर्न। नेक्स्ट जो हम बात करें फ्रेंड्स मेजरिंग ऑफ सी वी पी, सी वी पी की जो मेजरिंग करते हैं अपन, द राइट एट्रियम इज लोकेटेड एट द मिड एक्सिलरी लाइन एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, द जीरो पॉइंट ऑन द ट्रांसड्यूसर नीड्स टू बी एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम। यानी फ्रेंड्स आप जो राइट एट्रियम के जो है लेवल पे आप क्या मानते हैं, जीरो पॉइंट मानते हैं, ऑन द ट्रांसड्यूसर नीड्स टू बी एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द क्लाइंट नीड टू बी सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड एट 45 degree। यानी इसके अंदर जो फ्रेंड्स आपको जो पेशेंट जो को सुपाइन पोजीशन में भी जो उसका इसके साथ जो हेड है, हेड ऑफ द बेड, बेड का जो हेड है वो 45 डिग्री के एंगल पे हो। द क्लाइंट नीड्स टू बी रिलैक्स्ड, नोट दैट एक्टिविटी दैट इंक्रीज इंट्राथोरेसिक एंड प्रेशर सच एज कफिंग एंड स्ट्रेनिंग विल कोज फॉल्स इंक्रीज इन द रीडिंग। इफ़ द क्लाइंट इज ऑन वेंटिलेटर द रीडिंग शुड बी टेकन एट द पॉइंट ऑफ एंड एक्सपायरेशन। पेशेंट यदि वेंटिलेटर पे है उस कंडीशन में आपको जो रीडिंग लेनी होती है वो कहाँ से लेनी होती है, एंड एक्सपायरेशन पॉइंट ऑफ एंड एक्सपायरेशन। यहाँ पे जो अपन बात करते हैं क्लाइंट नीड टू बी रिलैक्स्ड, नोट दैट एक्टिविटी ऑफ दैट इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर सच एज कफिंग स्ट्रेनिंग विल कोज द फॉल्स। यानी यदि इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से इंक्रीज हो गया हो या फिर कफिंग और स्ट्रेनिंग कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। और वेंटिलेटर जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो जो एंड एक्सप्रेशन का जो पॉइंट आता है उस समय आपको जो है रीडिंग लेनी होती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका हेल्मिक मैनेवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेल्मिक मैनेवर होता क्या है फ्रेंड्स, तो हेल्मिक मैनेवर क्या होता है, हेल्मिक मैनेवर को अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं। ये स्पेलिंग मैंने मिस्टेक हो गई है, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ आप देख लें हेल्मिक मैनेवर, इसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं। हेल्मिक मैनेवर जो होता है फ्रेंड्स इज ए फर्स्ट एड प्रोसीजर
यूज टू ट्रीट अपर एवरे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एवरे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, चोकिंग हो गई, उस कंडीशन में अपने इसे फर्स्ट एड के प्रोसीजर के रूप में इसको यूज करते हैं। बाई फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है। अमेरिकन डॉक्टर्स हेनरी हेलमेक इज ऑफन क्रेडिटेड इट्स डिस्कवरी, यानी इसका जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसके जाता है, जो अमेरिकन डॉक्टर थे हेनरी हेलमेक, वो उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। परफॉर्मिंग एब्डोमिनल थ्रस्ट इन्वॉल्व ए रेस्क्यूअर, इसके अंदर जो आप जो एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म करते हैं, ए रेस्क्यूअर स्टैंडिंग बिहाइंड ए पेशेंट एंड यूजिंग हिज और हर हैंड्स टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द डायफ्राम, एंड डायफ्राम के जो बॉटम के यहाँ पे क्या है, प्रेशर एग्जर्ट कर दिया जाता है। हैंड्स क्या आता है, मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा यहाँ पे, दिस कंप्रेसेस द लंग्स एंड एग्जर्ट्स, ठीक है। प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट लॉज इन द ट्रेकिया होपफुली एक्सपेल्ड इट। तो ये तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप एब्डोमिनल थ्रस्ट करते हैं, ये इसकी इमेज है, मैं आपको एक वीडियो भी शो कर रहा हूँ यहाँ पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एयरवे की इमेज दिखाई गई थी, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है एयरवे है, ठीक है, ये एयरवे को आपको आइडेंटिफाई करना था। तो ये एयरवे दे रखा है आपको, ठीक है, ये अलग अलग साइज और कलर के जो एयरवे दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था अरिदमिया से रिलेटेड, तो अरिदमिया के ड्रग के बारे में पूछा गया था, तो उसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, जाइलोकेन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको जिस समय वीडियो बनाया था कि आप जीरो नेगेटिव मार्किंग कैसे कर सकते हैं, यानी आप बिल्कुल कम से कम नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था। उसके अंदर मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी, तीन चार क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। उसके अंदर मैंने एक एसिडोसिस और एल्कलोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था। तो वो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से था कि द नर्स ऑफ रिव्यू द, तो इसको हम एक जो जो हम पिछले जो वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो उस वीडियो को मैं कुछ इसके अंदर पोर्शन डाल देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो ऑप्शन बी जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आप उसका वीडियो देख लीजिए जो मैंने नेगेटिव मार्किंग वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, वो गलत होता है, बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, द नर्स रिव्यू द आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड नोट्स द फॉलोइंग, पीएच 7.45, पीसीओ2 30 mm ऑफ एचजी एंड एचसीओ3 22 मिलीक्विलेंट प्रति लीटर। ये आपको डेटा दिया हुआ है इसके अंदर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंडीशन है ये किस चीज को एनालाइज करती है, कौन सी कंडीशन को ये चीजें इंडिकेट कर रही है। तो ऑप्शन हमारा ए है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपेंसेटेड, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपेंसेटेड, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपेंसेटेड एंड ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपेंसेटेड। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पीएच, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच को देखना है कि पीएच किस चीज को इंडिकेट करी आपको, उसके लिए आपको नॉर्मल पीएच कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, पीसीओ2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है, और जो HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का जो लेवल हो नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो पीएच होती है नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 to 7.45 होती है, कितनी होती है, 7.35 to 7.45 इसकी क्या होती है, नॉर्मल पीएच होती है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर जो पीएच कितनी है, 7.45, यानी ये एल्केलाइन के नजदीक की पीएच है, यानी ये क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेटाबोलिक है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो बाकी जो डेटा जैसे पीसीओ2 और SCO3 को देखना पड़ेगा। तो पीसीओ2 का सबसे पहले आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए, तो पीसीओ2 का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 35 to 45 mm ऑफ HG नॉर्मल लेवल होता है, किसका, पीसीओ2 का। यदि पीसीओ2 का लेवल यदि इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है, पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यदि पीसीओ2 का जो लेवल है वो डिक्रीज है, इसका मतलब क्या होगी, पीएच इंक्रीज होगी। यानी आपको पीएच और जो पीसीओ2 है वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे, ये चीज आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो दूसरा जो अपने को ध्यान रखना, SCO3, तो SCO3 सबसे पहले आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए, 22 से लेकर के 28 जो है मिलीक्विलिन प्रति लीटर तक इसका नॉर्मल लेवल अपन मानते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 24 to 28 मिलीक्विलिन भी मानते हैं, कुछ बुक्स में 24 to 26 भी मानते हैं। तो आप एवरेज रेंज मानते 22 से लेकर के 28 मिलीक्विलिन प्रति लीटर आप नॉर्मल रेंज मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया कि पीसी
PCO2 का कितना लेवल है 30 mm ऑफ Hg। मैंने आपको क्या बताया, जब PCO2 जब डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। यानी यहाँ पे कौन सा फैक्टर कर रहा है, रेस्पिरेटरी, क्योंकि PCO2 किसको डिनोट करता है, रेस्पिरेटरी को, और SCO3 किसको कर रहा है, मेटाबॉलिक को। ठीक है, ये आपको चीज दोनों याद रखनी। यहाँ पे जो PCO2 का जो लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी क्या हो गया, एल्कलोसिस। यानी ये किस कौन सा हुआ, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ। अब आपका कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है, कंपनसेट हुआ है, कंपनसेशन में क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल लेवल के जो आपकी पीएच होगी वो नॉर्मल जो लेवल है उसके आसपास यानी इर्द गिर्द होगी। ठीक है, कंपनसेशन के अंदर। इसके साथ जो अपोजिट वाला है वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए वो उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जो है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये जो मेटा जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पीएच है वो 7.45 थी। ठीक है, तो पीएच जो 7.45 थी उसके अंदर आपने क्या, मतलब ये एल्कलोसिस हो गया। यहाँ पे PCO2 30 mm ऑफ Hg यानी डिक्रीज, यानी क्या हो गया, एल्कलोसिस, यानी किसको डिनोट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनसेटेड है या नहीं है। तो कंपनसेटेड है यानी उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि पीएच नॉर्मल लेवल के इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7.45 इर्द गिर्द है, तो यानी ये क्या हो गया, कंपनसेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको जान रही, अच्छे से आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 अपना जो पूछा गया था फ्रेंड्स, वो इसरो से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसके अंदर जो इसरो के बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसरो क्या है, इसरो की फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक क्या है, स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड हेड इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे फ्रेंड्स, बेंगलोर के अंदर है, जिसको बेंगलुरु भी कहते हैं। इसका जो विजन है वो क्या है, हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट वाइल प्रोड्यूसिंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च क्या की गई थी, इस्टैब्लिश की गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक, डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी इन 1962 विद द अर्जिंग ऑफ साइंटिस्ट विक्रम साराभाई रिकॉग्नाइजिंग द नीड इन स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो ये थी इसरो के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन, यानी फर्स्टली कौन सी वैक्सीन का डिस्कवर किया गया था। तो उसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। तो उसका जो राइट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा स्मॉल पॉक्स, जो वैक्सीन थी, जो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी। और किसने डिस्कवर की थी फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटिश जो डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर ने की थी, और इन्होंने ही वैक्सीनेशन की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप अगेंस्ट ए कॉन्टाजियस डिजीज इन 1796 द ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डेमोस्ट्रेट दैट द एन इन्फेक्शन विथ द रिलेटिवली माइल्ड काउ पॉक्स वायरस कन्फर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द डेडली स्मॉल पॉक्स वायरस। तो फर्स्टली डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी थी फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स। किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, तो सीरिया के प्रेसिडेंट कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट सीरिया के, तो आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बैसर एल असद, जिसके जो है क्या है प्रेसिडेंट है किसके, सीरिया के। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया ऑफिशियल, द प्रेसिडेंट ऑफ द सीरियन अरब रिपब्लिक इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द सीरियन अरब रिपब्लिक। ठीक है, तो कौन थे फ्रेंड्स, बशर एल असद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स अपना, एक इमेज दी गई थी उसको आइडेंटिफाई करना था। तो इमेज क्या थी फ्रेंड्स, तो ये था सर्कुलर स्टेपलर की इमेज थी। ये सर्कुलर स्टेपलर इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। सर्कुलर स्टेपलर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको यदि इमेज और देखनी है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सर्कुलर स्टेपलर क्या है, इज ए सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट, ए सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट होता है दैट प्लेसेस टू स्टेगर्ड सर्कुलर रोज ऑफ टाइटेनियम स्टेपलर्स एंड ए सर्कुलर नाइफ डिवाइड्स द इनर टिश्यू, यानी जो इनर टिश्यू उसको क्या कर डिवाइड करता है। इट इज़ यूज टू ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसीजर, इसका जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जो ओपन और जो लेप्रोस्कोपिक जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है, किसका, सर्कुलर स्टेपलर का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर, ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, तुर्की के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था कि तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है। तो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है फ्रेंड्स, रिसेप टाइप एर्डोगन। कौन है, रिसेप टाइप एर्डोगन। द करेंटली होपी होल्डर इज रिसेप टाइप एर्डोगन हु हैज द हेल्ड द होपी सिंस 28 अगस्त 2014, सिंस 9 जुलाई 2018। एर्डोगन
इज सर्विंग एज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट कंसिस्टेंट विद द प्रेजिडेंट सिस्टम, प्रेजिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, जो सर्जिकल ब्लेड 12 नंबर के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड सर्जिकल ब्लेड जो 12 नंबर होती है, ये आपके सर्जिकल ब्लेड 12 नंबर है, आप देख सकते हैं ये इसकी इमेज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था फ्रेंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कौन कौन से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के होती है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है, कितना लेवल होता है, मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था। जब रिपीटेड क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा रहा था, तो ये देखिए वो क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करवाया था। द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज़ टू रिसीव डिजॉक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट विच ऑफ दी फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर कौन कौन से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर साइन एंड सिम्टम होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था आपको। तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजॉक्सिन इंक्लूड द एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एट्री वेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन, डिक्रीज हार्ट रेट बाय स्लोइंग कंडक्शन। थेरापेटिक जो लेवल होता है डिजॉक्सिन कितना होता है फ्रेंड, 0.5 to 2 ng/ml होता है। और ये टॉक्सिक कब बन जाता है, जब इसका लेवल मोर देन कितना होता है 2 ng/ml से ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू क्लोजली मॉनिटर साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन कौन कौन से हैं, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया एंड डिसरिदिमिया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था, यदि जिसने इस वीडियो को देखा होगा उसको बेनिफिट जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूमिगेशन मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो इसका इमेज ये है, ये है फ्यूमिगेशन मशीन्स। अब हम बात करते हैं जो फ्यूमिगेशन मशीन्स होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर फ्यूमिगेशन मशीन्स के अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं अपन, तो देख लेते हैं थोड़ा। वैसे नॉर्मली अपन फॉर्मेलडिहाइड का यूज़ करते हैं, इसके साथ और क्या क्या यूज़ करते हैं। विच सॉल्यूशन यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज स्पोरिसाइड्स आर द क्लोरीन एज ए हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और ब्लीच एंड फॉर्मेलडिहाइड। फॉर्मेलडिहाइड अपन यूज करते हैं जिसको फॉर्मेलिन भी कहते हैं। विच सम यूज बींग मेड ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ग्लूटराल्डिहाइड। तो चलिए ये थी अपनी जो है फ्यूमिगेशन वाली मशीन, अच्छे से आपने देखी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना लीनियर कटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो लीनियर कटर की अपनी इमेज देख लेते हैं। तो ये लीनियर कटर की इमेज है, इस पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं इमेज के अंदर लीनियर कटर के बारे में। ठीक है, तो लीनियर कटर क्या है, एंडोस्कोपिक लीनियर कटर स्टेपलर प्लेसेस टू ट्रिपल स्टेगर रोज ऑफ टाइटेनियम स्टेपल्स एंड साइमल्टेनियसली कट एंड डिवाइड द टिश्यूज बिटवीन द टू रोज। फीचर्स एंड बेनिफिट्स इंक्लूड जेंटल टिश्यू कंप्रेशन बिफोर द फायरिंग, मिनिमाइजिंग टिश्यू ट्रोमा एंड सपोर्ट रीपोजिशनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, डेमेंशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेमेंशिया से रिलेटेड क्या है, तो हम डेमेंशिया के बारे में कुछ रिव्यू कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन डेमेंशिया कौन से टाइप कौन सा होता है वो भी हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले डेमेंशिया होता क्या है, तो डेमेंशिया इज ए सिंड्रोम विद द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनिंग सेकेंडरी टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेज। यानी इसके अंदर आपको क्या फ्रेंड देखता था, जो प्रोग्रेसिवली क्या है डेमेंशिया क्या है, सिंड्रोम है विथ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। डिटोरिएशन होता है इसके अंदर इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर सेकेंडरी टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो मेमोरी लॉस अकर्स विथ इम्पेयरमेंट इन जजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, डेमेंशिया रिजल्ट इन ए सेल्फ केयर डेफिशिएट। यानी जो डेमेंशिया की वजह से क्या होता है, जो सेल्फ केयर डेफिशिएट हो जाता है पेशेंट के अंदर। डेमेंशिया लाइक सिम्टम कैन बी रिजल्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सच कंडीशन मस्ट बी रूल्ड आउट इनिशियली। यानी इनिशियली रूल आउट हो सकती है फ्रेंड्स। इसके साथ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन टाइप है कौन सा है, अल्जाइमर डिजीज। तो फ्रेंड्स कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा डेमेंशिया का, तो सब लोगों को अल्जाइमर डिजीज, कहीं से भी लोगों को लगता नहीं कि ये डेमेंशिया के अंदर आता होगा। तो जो मोस्ट कॉमन जो डेमेंशिया होता है वो कौन सा होता है, अल्जाइमर डिजीज जो है मोस्ट कॉमन डेमेंशिया का टाइप्स है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा डेमेंशिया का, अल्जाइमर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसके अंदर ये जो इमेज दी गई थी उसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज किसकी है, तो ये कौन सी इमेज है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये किसकी है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। तो फ्रेंड्स रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है
सुपाइन के अंदर लेटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे कि नॉर्मली ये वाला जो पोजीशन होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हेड वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है और पाँव वाला पोर्शन क्या है नीचे की तरफ। ये किसके अंदर है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर। यदि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की बात करें तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है, पाँव ऊपर हो जाते और हेड क्या हो जाता नीचे हो जाता, किसके अंदर, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर। और ये वाली कौन सी पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। थोड़ा सा हम इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इज द सुपाइन पोजीशन विद द पेशेंट ऑन ए प्लेन इंक्लाइन विद द हेड हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड एप्रोप्रिएट सेफ्टी डिवाइसेस सच एज फुटबोर्ड। समझ में आया आपको, यानी पेशेंट जो है सुपाइन में है लेकिन उसके साथ ही जो उसका जो हेड वाला जो पार्ट है, हेड जो है हायर है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये पेशेंट की सुपाइन पोजीशन होगी, लेकिन ये वाला जो हेड वाला पार्ट वो ऊपर की तरफ है नॉर्मली, और ये जो पाँव वाला पार्ट है वो क्या है नीचे की तरफ। ये किसके अंदर है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर है। ठीक है, यदि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का क्वेश्चन आता तो उसके अंदर क्या होता, जो हेड वाला पार्ट नीचे की तरफ होता और पाँव ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये हो गया रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आइडेंटिफाई दिस इमेज, तो इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये क्या है आप देख सकते हैं, ये है चीटल फोरसेप। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसका जो मुंह है बिल्कुल चीटे के आकार का है, तो इसको क्या कहते हैं, चीटल फोरसेप, और इसको ट्रांसफर फोरसेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर फोरसेप भी कहते हैं, चीटल फोरसेप भी इसी को कहते हैं। तो इसका क्या यूजेज है फ्रेंड्स, चीटल फोर्सेस आर द यूज टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द बॉयलर्स एंड फॉर्मलिन कैबिनेट्स। यानी फ्रेंड्स, जो बॉयलर से आप जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको उठाने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे जो अपन जो मानते हैं कि जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इधर से उधर करने के लिए, इसको ट्रांसफर फोर्सेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे जो स्थान पे ट्रांसफर करने की ये काम में आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होगा, चीटल फोर्सेस भी कहते हैं। यूज टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बॉयलर फ्रॉम फॉर्मलिन कैबिनेट्स। और जैसे आप जब ओटी की तैयारी कर रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब होते हैं, उस समय आपको एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ से यहाँ प्लेस करना है, तो आप किसकी सहायता से करते हैं, चीटल फोर्सेस की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था आइडेंटिफाई दिस इमेज, तो ये आइडेंटिफाई करनी थी इमेज, तो ये किसकी इमेज है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसकी है, लेटरल ग्रिप की है। किसकी इमेज है, लेटरल ग्रिप की, लेटरल एंड लेटरल साइड के अंदर आप देख रहे हैं, तो ये लेटरल ग्रिप की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, यानी फर्स्ट आउटब्रेक कहां पे हुआ था फ्रेंड्स कोविड-19 का, तो ऑप्शन दिए गए थे चार ऑप्शन, तो उनमें से जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, वुहान चाइना, यानी चाइना के वुहान शहर के अंदर कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, यूज ऑफ वेरिसेस नीडल, वेरिसेस नीडल का यूज पूछा गया था, उसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो आपका ऑप्शन जाएगा जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी, या तो लिखा होगा उसके अंदर, या तो पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल कैविटी और सप्लाइंग CO2 गैस टू एस्टैब्लिश न्यूमोपेरिटोनियम ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये इसका यूज होता है, ये कुछ इसकी नीडल की लेंथ दे रखी है 120 mm और 150 mm की इसकी जो लेंथ होती है। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेरिजे नीडल की इमेज है, यहाँ पे जो वेरिजे नीडल की जो यहाँ पे आई है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो पाइप था वो दिया गया था, और एक किसका पाइप है, तो आपको पूछा गया था जो एनेस्थीसिया जो मशीन्स होती है उसके अंदर जो पाइप दिया गया था, ब्लू कलर का पाइप होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो पाइप होता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाला जो है ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड की पाइप है, नाइट्रस ऑक्साइड पाइप कलर इमेज ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, आइसोफ्लोरिन और सेओफ्लोरिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो कलर कोड है वो कैसा होता है, इसके साथ इनका यूजेस क्या होता है, और ये क्या है वो भी हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, सेवोफ्लोरीन की बोतल है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर होता है, ये येलो कलर तो होता है सेवोफ्लोरीन का। और जो अपना दूसरा है आइसोफ्लोरीन, उसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर का होता है फ्रेंड्स, उसका कलर कौन सा होता है, आइसोफ्लोरीन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। कैसा होता है, आइसोफ्लोरीन का कलर पर्पल होता है, और सेओफ्लोरीन का कैसा होता है, येलो कलर होता है। और एक और जो फ्लोरीन है वो जो को उसका क्या नाम है फ्रेंड्स,
उसका नाम है अपना डेसफ्लोरिन। जो डेसफ्लोरिन है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि सेओफ्लोरिन, आपको कलर कोडिंग से आगे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेओफ्लोरिन है उसका कलर कौन सा होता है, येलो होता है। आइसोफ्लोरिन कौन सा होता है, पर्पल होता है। और जो डेसफ्लोरिन है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इनके जो यूजेस की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये किसके लिए यूज होते हैं या फिर ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, आइसोफ्लोरिन इज ए जनरल इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस एंड मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया फॉर एन इज ए अवेलेबल इन जेनरिक फॉर्म। कॉमन साइड इफेक्ट हो, इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्लो और सेलो ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मली फास्ट और स्लो हार्ट रेट, ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर जो फ्रेंड्स सोम जनरल एनेस्थेटिक है ये सेओफ्लोरिन, यूज टू कोस जनरल एनेस्थीसिया के लिए इसका यूज किया जाता है सेओफ्लोरिन का। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी, इट इज इनहेल ब्रीद इन। ओके, तो आपको मेन जो कलर कोडिंग का ध्यान रखना है, येलो वाला किसके होता है, सेओफ्लोरिन के लिए होता है। और जो पर्पल कलर का होता है वो किसके लिए होता है, आइसोफ्लोरिन। और जो जो अपना डेसफ्लोरिन होता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है ये जनरल इनहेलेशन एनेस्थेटिक होता है आइसोफ्लोरिन, ठीक है, इंड्यूस एंड मेंटेन जनरल एनेस्थेसिया के अंदर यूज किया जाता है। और सेओफ्लोरिन क्या है, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है। बोथ आइसोफ्लोरिन एंड सेओफ्लोरिन आर वेपोराइजर, दे आर कलर कोडेड फॉर द स्पेसिफिक गैस एनेस्थेटिक, पर्पल फॉर आइसोफ्लोरिन एंड येलो फॉर सेओफ्लोरिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एक इमेज दी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था, तो ये वो इमेज थी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना था। तो ये इमेज है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है किसकी इमेज है फ्रेंड्स, तो आपको बता देता हूँ, ये जो इमेज है आप किसकी है, लीनियर जी आई स्टेपलर की इमेज है। किसकी है, लीनियर जी आई स्टेपलर की ये इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऊपर ऊपर लिखा फ्रेंड्स, लीनियर कटिंग स्टेपलर डिजाइनर विद द DST सीरीज, ठीक है। ये इसके स्टेपलर हाइट फीचर में इम्प्रूव स्टेबल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज रेसिस्टेंट टू लीकेज, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्पोजल लोडिंग यूनिट जो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। ये न्यू 44 स्टेनलेस स्टील ब्लेड, ये यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कोट्रिज लॉक लेवर हो गया ये, ठीक है। ये पिनलेस एनविल हो गया इसका फॉर एट्रोमेटिक प्लेसमेंट के लिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, लीनियर जी आई स्टेपलर इमेज है। ये क्या है, लीनियर जो कटर स्टेपलर या फिर लीनियर जीआई जो स्टेपलर है वो क्या है फ्रेंड्स, इज ए एब्डोमिनल सर्जरी थोरेसिक सर्जरी। इसका जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, एब्डोमिनल सर्जरी में, थोरेसिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर लीनियर कटर स्टेपलर का यूज़ किया जाता है। द लीनियर कटर स्टेपलर इज ए लोडेड विद द टू डबल स्टेगर रो ऑफ टाइटेनियम स्टेपल्स एंड साइमल्टेनियसली कट्स एंड डिवाइड टिश्यू बिटवीन द टू डबल रोज। ये यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, इस इमेज को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके अंदर, जैसा कि आप इमेज के अंदर यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, आपको आगे के लिए, आगे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकता है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पेक्टिनल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। पेक्टिनल लाइन से तो हम थोड़ा सा पेक्टिनल लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा पेल्विस, तो पेल्विस के यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो है पेक्टिनल लाइन होती है। कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे जो इसमें मार्किंग कर रखी है इस इमेज के अंदर, पेक्टिनल लाइन होती है। और भी बाकी भी जो लैंडमार्क्स होते हैं जैसे कि ये प्यूबिक सिम्पाइसिस, पेक्टिनल लाइन, ये ऑर्क्यूलेट लाइन, सेक्रल एला, ये जो अपना सेक्रल एला हो गया, ये सेक्रल प्रोमोंट्री हो गया, ये इस इमेज के अंदर दे रखा है। तो आगे के एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं, हालांकि इमेज नहीं आई होगी, कुछ पेक्टिनल लाइन से रिलेटेड ही कुछ पूछा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर बता देता हूँ, पेक्टिनल लाइन ऑफ द प्यूबिस ऑल्सो पेक्टिनियन प्यूबिस इज ए रिच ऑन द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेल्विक ब्रिम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ग्लव्स आर डिस्कार्डेड इन विच कलर डस्टबिन, यानी कौन से कलर के डस्टबिन के अंदर ग्लव्स को डिस्कार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी ग्रीन। तो जो ग्लव्स को डिस्कार्ड करते हैं किसमें करते हैं फ्रेंड्स, रेड डस्टबिन में करते हैं, रेड कलर के डस्टबिन में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ग्लव्स किस में डिस्कार्ड करेंगे, रेड कलर डस्टबिन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जैक्सन प्रेट ड्रेन का यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने इसके अंदर इमेज आपके लिए, आपको समझाने के लिए इसमें इमेज ऐड कर दी है। वैसे जो जैक्सन प्रेट ड्रेन का यूज पूछा गया था और उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा जो है यूज होगा जैक्सन प्रेट ड्रेन का यूज, तो जो जैक्सन प्रेट का जो ड्रेन का जो यूज किया जाता है वो आपका एब्डोमिनल सर्जरी, मैस्टेक्टोमी सर्जरी और जो थोरेसिक सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक्सन प्लेट ड्रेन
आल्सो कोल्ड एज जेपी ड्रेन इज ए क्लोज सक्शन मेडिकल डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज एज ए पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेन फॉर कलेक्टिंग बॉडीली फ्लूड्स फ्रॉम द सर्जिकल साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एन इंटरनल ड्रेन कनेक्टेड टू ए ग्रेनेड सेप ब्लब वाया प्लास्टिक ट्यूबिंग। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक की जो ट्यूबिंग दिख रही है, ठीक है, ये अब अपना जैक्सन प्लेट ड्रेन है। यहाँ पे इस पेशेंट को लगाया हुआ भी कई बार इमेज के अंदर इस प्रकार का इमेज भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो जो है अपने इसके अंदर इमेज को ऐड कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तीनों जो है वो किसके हैं, जैक्सन प्लेट ड्रेन की इमेजेज है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर यूज पूछा गया था तो उसका जो राइट आंसर जाना था वो एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो कुछ फ्रेंड्स कुछ डीआईसी से रिलेटेड कुछ ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर जो है इसमें जो अपन बात कर लेते हैं कि जो डीआईसी होती है यानी जो डिसएमिनेटेड इंट्राविस्कुलर कोगुलेशन जो होता है उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम क्या रहता है, प्रोलोंग रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डिजीज दैट कोज द प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम किस किस के अंदर प्रोलोंग रहता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर, डिसएमिनेटेड इंट्राविस्कुलर कोगुलेशन एंड डीआईसी, बर्नार्ड सोलियर डिजीज एंड ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थेनिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम जो है प्रोलोंग रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर पूछा गया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल मीडिया एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा जो है सोशल मीडिया नहीं है, तो ऑप्शन ए है ऐप बी, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी ट्विटर एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सब जानते हैं कि ऐप बी व्हाट्सएप और ट्विटर तीनों ही क्या है, सोशल मीडिया। यहाँ पर क्या पूछा, एक्सेप्ट यानी इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स लोराजीपाम चैलेंज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स, केटाटोनिया के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव लोराजीपाम चैलेंज टेस्ट वैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ केटाटोनिया आफ्टर द पेशेंट इज एग्जामिन फॉर साइन ऑफ केटाटोनिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 35, कलर कोड ऑफ 20 नंबर के आईवी कैनुला का कलर कोड क्या होता है, कौन से कलर का होता है, तो ऑप्शन ए है हमारा येलो, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन। तो कौन से कलर का होता है फ्रेंड्स, तो आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, जो 20 नंबर का जो कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और जो येलो वाला जो कलर का जो कैनुला होता है उसका नंबर कितना होता है, 24, पिंक वाला 20 का हो गया, ब्लू वाला अपना कितने का हो गया, 22, और ग्रीन वाला कितने का हो गया, 18 नंबर का कैनुला हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गम ब्लीडिंग इज कॉज्ड बाय ड्यू टू, यानी जो गम ब्लीडिंग जो होती है वो किसकी कमी की वजह से हो सकती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा विटामिन बी 12, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से क्या देखने को मिलता है, गम ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर जो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि मोबाइल एंड्रॉयड के समानुपाति है तो इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, तो कंप्यूटर का ही, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके यहाँ पे क्या रहेगा, तो चार ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, विंडो, डेस्कटॉप, कीबोर्ड और माउस। तो आपका जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन ए विंडो, यानी इसके जैसे कि मोबाइल यदि एंड्रॉयड है तो कंप्यूटर क्या है, विंडो, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, विंडो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, राफेल फर्स्ट लैंडेड, जो राफेल जो फर्स्ट कहाँ पे लैंड हुई था, तो हमारा ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अंबाला एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले लैंड राफेल, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अंबाला के अंदर जो है राफेल फर्स्टली क्या हुआ था, लैंड हुआ था। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर कुछ, द फर्स्ट बैच ऑफ द 5 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम द फ्रांस लैंडेड इन अंबाला इन हरियाणा ऑन वेडनेसडे, यानी बुधवार के दिन जो है हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर हरियाणा के अंबाला में क्या हुआ था, लैंड हुए थे 5 जो राफेल फाइटर थे, फाइटर जेट, जो कहाँ से आए थे फ्रेंड्स, फ्रांस से, फ्रॉम फ्रांस। ओके, आपको पता है कि फ्रांस से ही खरीदारी हुई थी इनकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड क्विकनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 39 था, क्विकनिंग अकर्स एट, एंड क्विकनिंग कितने वीक पर होती है, तो ऑप्शन ए था 10 to 12 weeks, ऑप्शन बी 22 weeks, ऑप्शन सी 26 to 28 weeks और ऑप्शन डी 16 to 18 weeks। तो ऑफ क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड 16 to 20 weeks था, मैंने यहाँ पे 16 to 18 weeks लिखा, तो आपका जो क्वेश्चन में यदि 16 to 20 weeks वाला ऑप्शन आपने किया है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 16 to 18 weeks, यानी 16 से 18 वीक पे आपको क्या सुनाई देती है, क्विकनिंग। क्विकनिंग यानी जो फर्स्ट जो आपको जो फीटल के जो परसेप्शन जो महसूस होते हैं फीटल के मूवमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्विकनिंग कहते हैं। द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द मदर मे अकर्स एट द 16
ऑफ 2-20 वीक ऑफ गेस्टेशन, एंड गेस्टेशन के समय जो फीटल मूवमेंट्स फर्स्टली जो मदर फील करती है उनको जो कब फील होते हैं फ्रेंड्स, मदर को 16 यानी 16 से 18 वीक पे जो है मदर फर्स्ट फीटल मूवमेंट नॉर्मली फील करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्रग यूज इन मेनिया, इन मेनिया के अंदर इसका जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये ऐसा कोई लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको अंदर थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बनाया कि ड्रग यूज इन मेनिया, मेनिया के अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास चार हैं, तो आप सबको पता होगा कि जो मेनिया के अंदर जो यूज की जाती है वो लिथियम कार्बोनेट यूज की जाती है। लिथियम कार्बोनेट को मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लिथियम टॉक्सिसिटी से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं ताकि आपको लिथियम से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो लिथियम टॉक्सिसिटी या फिर लिथियम ओवरडोज दोनों सेम कंडीशन है। यहाँ पे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर, तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, ट्रबल वॉकिंग्स, किडनी प्रॉब्लम्स एंड अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। किसके अंदर फ्रेंड्स, सिम्टम्स के अंदर, टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स के अंदर। द थेरेप्यूटिक रेंज जो लिथियम की होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 0.5 to 1.2 मिली मोल प्रति लीटर या फिर 0.5 to 1.2 मिली इक्विलेंट प्रति लीटर, दोनों सेम है, ठीक है। इसके साथ ही लिथियम की टॉक्सिसिटी अपन कब कहेंगे, जब इसका जो लेवल है कब कितना बढ़ जाए, 1.5 मिली इक्विलेंट प्रति लीटर से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन हम क्या कहते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। लेवल किस में कम होता है फ्रेंड्स, किस में अधिक हो जाता है, ब्लड के अंदर। यदि लिथियम का लेवल 1.5 मिली इक्विलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी। और यदि ये लेवल जो है मोर देन 2.0 मिली इक्विलेंट प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी। यानी सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी कंडीशन के अंदर जो लिथियम का जो लेवल रहेगा वो कितना रहेगा, मोर देन 2.0 मिली इक्विलेंट प्रति लीटर। यदि इससे भी अबव यदि इसका लेवल चला जाता है इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और वो रेयर होती है। तो ये इस प्रकार से इस वीडियो के हमने टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।